हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार देर रात अचानक आग लग गई। हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया। गोदाम में लगी आग की लपटें दूर दूर फैल गई, जिससे आसपास बनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग के कर्मियों ने आग को फैलाने से पहले ही काबू में कर लिया। बहरहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मैसेज आया टेलीफोन के कि ये जो वजीराबाद गांव है सेक्टर 52 में 52 में टाटा मोटर सर्विस सेंटर है, इसके साथ लगता हुआ एक फर्नीचर का गोडाउन है, इसमें बहुत बड़ी आग है। तो हमने एक साथ तुरंत 4 फायर टेंडर वहां से निकाले। जैसे ही टेंडर पहुंचे उन्होंने देखा कि आग बड़ी है और उनका मैसेज आया कि सर गाड़ी और भेजो, ये कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो हमने तुरंत उद्योग विहार की 2 गाड़ियां, भीमनगर की 2 गाड़ियां, सेक्टर 37 से 2 गाड़ियां, मानेसर से 3 गाड़ियां, तुरंत सेक्टर 29 से 5 गाड़ियां मौके पर मुंह कर दी। और उसके साथ साथ 2 गाड़ियां हमने डीएलएफ को भी मैसेज दे दिया था। डीएलएफ की भी पूरी बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और हमने इस आग को आकर देखा तो चारों तरफ खतरा था। एक साथ में तो लग रहा था कि भाई ये जो टाटा मोटर सर्विस सेंटर है इसमें एंट्री करेगी। एक साइड में गांव था, घर थे, बहुत सारा उसमें नुकसान होने का खतरा था।